नमस्कार मनी नाइन में आपका स्वागत है। मैं दिनेश अग्रहरी आज आपको बताऊंगा कि शेयर कारोबार में क्यों लगाते हैं स्टॉप लॉस। शेयर बाजार में अक्सर लोगों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। कई लोग बाजार में लॉन्ग टर्म में निवेश करते हैं और शेयर में निवेश कर भूल जाते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि शेयर टूटकर काफ़ी नीचे चले जाते हैं और उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ता है। ऐसे ही लोगों के लिए जानकार एक स्टॉप लॉस लगाने को कहते हैं। आइए आपको बताते हैं कि स्टॉप लॉस ऑर्डर क्या होता है और इसे लगाने का क्या फ़ायदा होता है। निवेशकों को नुकसान से बचाने के लिए किसी शेयर की तय कीमत पर स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाया जाता है। इस तय कीमत को स्टॉप प्राइस कहते हैं। जब भी शेयर स्टॉप प्राइस कीमत से नीचे पहुंचता है तो निवेशक के तय ऑर्डर के मुताबिक शेयर की बिक्री हो जाती है। स्टॉप लॉस ऑर्डर से निवेशक को यह सूचना मिल जाती है कि उसके शेयरों की बिक्री की गई है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी ट्रेडर ने कोई शेयर 200 रुपए पर खरीदा और इसके 10% नीचे यानी 180 रुपए पर स्टॉप लॉस लगाया। अगर शेयर में किसी समय भारी गिरावट आने लगती है और यह गिरते हुए 180 रुपए पर पहुंच जाता है तो इस लेवल से नीचे पहुंचते ही शेयरों की अपने आप बिक्री हो जाएगी। इसका फायदा यह होता है कि निवेशक को भले नुकसान हो रहा हो लेकिन उसको और ज़्यादा नुकसान से बचा लिया जाता है। इसे आसानी से लागू किया जा सकता है और शेयरों की बिक्री अपने आप हो जाती है, इसलिए यह निवेशक या ट्रेडर के लिए काफ़ी सुविधाजनक है। अपने डीमैट अकाउंट में जब आप किसी शेयर के लिए सौदा करते हैं तो वहां आपको एक ऑप्शन मिलता है ऐड स्टॉप लॉस। इसमें आपको वह कीमत चुननी होगी जिस पर आप स्टॉप लॉस चाहते हैं। अब आपके मन में यह सवाल आएगा कि क्या स्टॉप लॉस सिस्टम का कोई नुकसान भी है? तो इसका नुकसान यह होता है कि ट्रेडर्स के कई बार अच्छे शेयर भी बिक जाते हैं। मान लीजिए कोई शेयर बहुत अच्छा है, लॉन्ग टर्म में अच्छा फायदा दे सकता है, लेकिन शॉर्ट टर्म में उसमें अचानक भारी गिरावट आ रही हो, तो ऐसे में स्टॉप लॉस लगाने से शेयर अपने आप बिक जाता है और इससे निवेशक के खाते से एक अच्छा शेयर चला जाता है।